हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th से लोकतंत्र के परिणाम। देखिए, आज विश्व के 100 देश किसी ना किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देती हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे और कानूनों के अनुसार हों। कोई नागरिक अगर यह जानना चाहे कि फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता लगा सकता है। उसे न सिर्फ यह जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे कहा जाता है पारदर्शिता। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो अन्य शासनों से बेहतर है। यह क्या कैसी शासन व्यवस्था है? वैध शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का स्तर जो होता है वो बराबर होता है। जो तानाशाही का समर्थन करते हैं, समर्थन करने वाली जो राजनीतिक विचारधारा होती है उसे कहते हैं निरंकुशतावाद। लिंग भेद, जाति भेद और सांप्रदायिक प्रवृत्ति सामाजिक असमानता के रूप हैं। कानून के शासन से आशय कि एक देश के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा के साथ शासन करना। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन या जनता के लिए व जनता के द्वारा, ठीक है, शासन। तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? तो यह विचारधारा कहलाती है निरंकुशतावाद। ठीक है, निरंकुशतावाद। ओके, नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र अच्छा क्यों है? लोकतंत्र अच्छा क्यों है? क्योंकि ये नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ठीक है, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार जो है सबसे बेहतर मानी जाती है। ठीक, नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकार जिनकी रक्षा कानून करता है वो है नागरिक स्वतंत्रता। सामाजिक असमानता का कोई एक रूप, लिंग भेद ये सामाजिक असमानता है, जाति भेद ये भी सामाजिक असमानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुमत के शासन का अर्थ क्या है? बहुमत का शासन मतलब बहुमत जिस चीज का है वही निर्णय होना, तो बहुमत का निर्णय होना बहुमत का शासन है। कुछ लोगों का अथवा एक दल का शासन क्या कहलाता है? तानाशाही कह सकते हैं या एक दलीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देते हैं, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाते हैं, फैसलों में बेहतरी आती है, गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। ओके, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों मानते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, वैध सरकार होती है और नागरिकों की स्थिति जो होती है वो बेहतर होती है तानाशाही से। ठीक है, तानाशाही में अपने ही रूल होते हैं, अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो करते हैं, जो उन्हें सही लगता है, चाहे वो दूसरों के लिए सही हो ना हो। ठीक है, सामाजिक परिणाम क्या है? लोकतंत्र से जो है समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है, सामाजिक टकराव की संभावना जो है वो कम रहती है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन है इसमें, ये तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बताई। देखिए, ये हमने पहले पढ़ा भी है, लोकतांत्रिक सरकार की कमियां क्या हैं तानाशाही सरकार की तुलना में। देखिए, तानाशाही की तुलना अगर लोकतंत्र से की जाए तो तानाशाही में क्या होता है, अगर उन्हें कोई निर्णय लेना है तो वो जल्दी से ले सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो है निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है। ठीक है, तानाशाही में तो किसी एक बंदे को लेना होता है तो वो जल्दी से निर्णय ले लेता है। ठीक है, तानाशाही सरकार की तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकार है वो क्या होती है, ज़्यादा खर्चीली होती है, क्योंकि वहाँ पर निश्चित अवधि के बाद ही चुनाव होते हैं। ठीक, तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जो है हर स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, मतलब हर एक लेवल पे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है।
ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन तानाशाही में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये हैं लोकतंत्र सरकार की कुछ कमियां अगर कंपेयर करें तानाशाही सरकार के साथ। ठीक है, तो बस यही था इसमें। थैंक यू सो मच।